ये कैंपस टूर का ब्लॉग पार्ट टू है। अभी मेन गेट से मैं कॉलेज की तरफ एंटर करूँगा। मेन गेट तो एक्चुअली ये जो सामने बन रहा है ये है, लेकिन ये एक और बगल में छोटा गेट है, इससे एंटर करूँगा। सामने जो दिख रहा है वो ओपीडी है। इसी वीडियो का पार्ट वन मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। ये ओपीडी है, उसके पीछे आईपीडी है। ये ट्रक अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इसलिए हैं यहाँ। नाउ अनअकैडमी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर नीट। सो अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो आप जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। Unacademy Combat is India's largest weekly scholarship test for NEET UG. You can register for free by using my code KunalAK10. Live leaderboard ranking, 60 minutes and 28 questions. 4 crore plus worth scholarship, separate contest for class 11, 12th and 13th. Enroll now for free by using my code KunalAK10. Test occurs at every Sunday 11 a.m. You can register for free by using my code KunalAK10. Take it live from Unacademy Android app. Experience the gamified contest with live rankings. You can enroll by scanning this QR code. 1 year NEET UG Plus subscription will be given to 1 to 3 ranks. 4 to 10 ranks will get 75% scholarship. 11 to 50 ranks will get 50% scholarship, and L51 to 150 will get 25% scholarship. This is the scholarship test format. Samarth batch 2.0 has already started on 27th September. Super Achievers batch has also started on 29th of September. You can see the offers. You can get any kind of financial help by calling on this number. Save up to 20% with exciting combos. You can pause the video and see. हाँ, बहुत लोग आप में से पूछ रहे हो मेडिकल कॉलेज कोलकाता वर्सेज मेड एम्स कल्याणी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन ये करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा क्योंकि दोनों कॉलेज में बहुत अंतर है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन से फैक्टर्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे। लाइक एम्स कल्याणी का हॉस्टल बहुत अच्छा है, एम्स मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हॉस्टल वैसा आपको नहीं मिलने वाला, मेडिकल कॉलेज या किसी भी स्टेट में नहीं मिलने वाला स्टेट कॉलेज में। फिर हॉस्पिटल या आईपीडी की बात करें तो ये तो नया है, तो इसके तो अभी चालू भी नहीं हुए ढंग से। मेडिकल कॉलेज बहुत ही पुराना कॉलेज है, तो वहाँ इस मामले को लेते हुए आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मेडिकल कॉलेज कोलकाता में ले लो। पीजी सीट्स भी वहाँ बहुत हैं, एम्स कल्याणी में अभी पीजी सीट्स आने में टाइम लगेंगे। हाँ, लेकिन एमबीबीएस कंप्लीट करते करते तो आ ही जाएगा, और पहले बहुत पहले आ जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये ओपीडी है और जस्ट पीछे ये आईपीडी है। मेडिकल कॉलेज कोलकाता एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ पहले से सब कुछ सेट है, सीनियर्स, फिर बहुत सारे फंक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस, फ्रेशर्स या जो भी बहुत कुछ होने वाले होते हैं वहाँ वेल ऑर्गेनाइज ढंग से होते हैं क्योंकि सब कुछ सिस्टमेटिक पहले से उनका सेट है सब। यहाँ नया है तो भी टाइम लगेगा। ये आईपीडी है, आईपीडी के पास ही एसबीआई बैंक नया खुला है। ये बैंक अभी शायद स्टार्ट नहीं हुआ है, होने ही वाला होगा, या मे बी हो भी गया हो, मुझे पता नहीं है। ये पूरा आईपीडी का एरिया है, और भी पता नहीं क्या क्या है इसमें, मुझे नहीं मालूम है। तो आईपीडी का ही पार्ट, और मेडिकल कॉलेज कोलकाता के बारे में बात करें तो ये पूरा बहुत पुराना कॉलेज है और सब कुछ वहाँ सेट है पहले से। यहाँ आपको मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक ये भी है कि आपको 85% लोग बंगाल के मिलेंगे, तो आपको अपने स्टेट वालों के साथ रहने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो रहो। फिर यहाँ एम्स की बात करें तो यहाँ सारे स्टेट से लोग हैं, तो आप चाहते हो कि
हर तरह के कल्चर को जाने, अलग अलग तरह के लोगों से बात करें, तो आप एम्स सेलेक्ट कर सकते हो। एम्स भी और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप धीरे धीरे पता कर लोगे। तो मैं उस तरह से कंपेयर करके नहीं बोलूँगा कि आप एम्स में एडमिशन लो या मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, वो आप खुद समझो यार कैसे एडमिशन कहाँ लेना है। क्योंकि एडमिशन आप एक बार ले लोगे, हो सकता है आपको मेडिकल कॉलेज कोलकाता पसंद नहीं आए, बाद में आपके कुछ दोस्त बोलेंगे कि एम्स कल्याणी ज़्यादा अच्छा लगा। इसीलिए तो आज का वीडियो इतना ही। ये बॉय हॉस्टल पहुंच चुका हूं मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना। इंस्टा आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, देख लो।